हेलो एंड वेलकम। आज के क्लास में हम लोग करेंगे एडोब कंपोजिशन। सो क्लिक ऑन एडोब कंपोजिशन, तो ऐसा आपके स्क्रीन में आएगा। सो यहाँ पे प्लस सिंबल पे क्लिक कीजिए। सो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। नीचे आप प्रोजेक्ट का साइज चूज़ कर सकते हैं। लेट अस चूज़ A4। ओके, सो यहाँ पे हम लोग जो A4 बनाएंगे, क्लिक ऑन दिस A4, तो यहाँ पे A4 साइज़ का लेआउट आ गया। सो बिफोर मेकिंग ए प्रोजेक्ट, पहले हम लोग इसका ऑप्शन सीख लेते हैं। इसमें बहुत कम ऑप्शंस हैं, लेकिन उस ऑप्शंस को यूज़ करके भी हम एक डिज़ाइन बना सकते हैं। ओके, सो पहला ऑप्शन इसका ये, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड शेप्स। यहाँ पे देखिए इतना सारा बाय डिफ़ॉल्ट शेप स्क्रीन में है। सो आप इसमें से कोई भी शेप चूज़ करके ऐड कर सकते हैं। एक बार अगर शेप ऐड हो गया तो आप इसको ऐसे कहीं पर भी लेके रख सकते हैं, लाइक दिस। ओके, सो यहाँ नीचे इसका देखिए प्रॉपर्टीज़ है। पहला प्रॉपर्टीज़ है इसका कलर, आप कलर चूज़ कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है ओपासिटी, आप इसका ओपासिटी चूज़ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है इसका स्ट्रोक, अगर इसका बॉर्डर देना चाहें तो स्ट्रोक ऑन कर देंगे। इसका हम लोग पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस वी कैन चेंज द, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, डैश डैश डॉट डॉट। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप कॉर्नर राउंडेड कर सकते हैं लाइक दिस, ओपेसिटी यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, फिर वापस स्ट्रेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप वैसे कर सकते हैं। बाहर क्लिक कर देंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन लेयर्स का है, ये बाद में आएगा। आप डिलीट कर सकते हैं तो ये शेप डिलीट हो जाएगा। स्क्रीन में कहीं बाहर क्लिक कर देंगे तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। मुझे ये स्ट्रोक नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके ये विजिबल ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रोक मेरा चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पहला चीज़ आप यहाँ पे अलग अलग शेप ऐड कर सकते हैं। इसको आप स्क्रीन में ऐसे रख सकते हैं तो बाहर वाला शेप आपका दिखाई नहीं देगा फाइनल आउटपुट में। ओके, सो ये है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट। टेक्स्ट देखिए, पहला आप हेडलाइन लिख सकते हैं, दूसरा सब हेडलाइन लिख सकते हैं, और तीसरा यहाँ पर पैराग्राफ लिख सकते हैं। अभी मैंने पैराग्राफ पर क्लिक किया तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ कहीं पर भी रख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मिसिंग फॉन्ट दिखा रहा है, तो आपको इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ टी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और नीचे आप ब्राउज़ करते जाइए, आपको कुछ फॉन्ट्स मिलेंगे, तो जो फॉन्ट आपको अच्छा लगता है वहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये सब फॉन्ट्स क्या हैं, इंटरनेट में है, ये डाउनलोड हो के जब आपके पास आएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और एक बार ये फॉन्ट आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, लाइक दिस कुछ फॉन्ट्स आपको मिलेंगे, कुछ फॉन्ट्स मिसिंग होंगे। ओके, सो आपको वही फॉन्ट्स चूज़ करना है जो आपको अवेलेबल है। ओके, मान लीजिए ये फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, मैं ये वाला फॉन्ट ट्राई करता हूँ। ओके, रेगुलर नहीं, ये फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, सम फॉन्ट्स आर नॉट अवेलेबल। ओके, ये पहला वाला फॉन्ट्स लेते हैं, दिस वन, यस दिस फॉन्ट इज़ अवेलेबल। ओके, तो ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ओके, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू माय वर्ल्ड। ओके, इसका फॉन्ट साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको आप क्लिक कीजिए, बाहर कहीं पर भी क्लिक कीजिए, फिर यहाँ टी के ऊपर क्लिक कीजिए, या हम पॉइंट साइज़ बढ़ा दीजिए। ओके, लाइक दिस, इसको आप कहीं पर भी लेके रख सकते हैं। कॉर्नर से आपको ड्रैग करना पड़ेगा रखने के लिए, ऐसे। ओके, सो ये हुआ आपका टेक्स्ट ऑप्शन। इसका कलर यहाँ पे है, जैसे बाकी सब कलर्स था, आप कलर ऐसे चूज़ कर सकते हैं। बाद में चाहें तो आप जाके एडिट भी कर सकते हैं। सो ये है टेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद ये इमेज ऑप्शन है। इमेज देखिए, आपके पास एक ऑप्शन है प्लेस होल्डर। अगर मैं डायरेक्ट ऑन माई डिवाइस टेक ए फ़ोटो करूँगा तो क्या होगा, मेरा जो फ़ोटो स्क्वायर फॉर्मेट में प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपना फ़ोटो को मान लीजिए कोई सर्कल फॉर्मेट में प्लेस करना चाहूँगा, तो आप यहाँ प्लेस होल्डर में क्लिक करेंगे। यहाँ मैंने सर्कल के ऊपर क्लिक किया, देखिए यहाँ पे सर्कल ऑप्शन आ गया, तो आप सर्कल को कहीं पर भी लेके रख सकते हैं लाइक दिस। ओके, मैंने सर्कल को यहाँ पर रखा, यहाँ पर मैं ऑन माई डिवाइस में जाता हूँ। मान लीजिए मैंने अपना ये इमेज चूज़ कर लिया, ओके, लाइक दिस, और बाहर क्लिक कर लिया, तो आप कोई भी सर्कुलर शेप में अपना फ़ोटो
रख सकते हैं। ओके, तो यह है इमेज फॉर्मेट। अगर आप डायरेक्ट ऑन माई डिवाइस में जाएंगे और आप अगर चूज़ करेंगे इमेज को लाइक दिस, तो ये पूरा स्क्वायर फॉर्मेट में आके यहाँ पे रह जाएगा। ओके, लाइक दिस। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, ये है आपका सेंड टू इनडिज़ाइन, सेंड टू फोटोशॉप, सेंड टू इलस्ट्रेटर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे शेयर इमेज कर सकते हैं। अगर आप शेयर इमेज करेंगे तो ये डायरेक्टली आपका फाइल इमेज बन जाएगा, जो आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं या किसी को भी सेंड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ये सेटिंग्स हैं, ये फॉर्मेट आपका A4 है, पोर्ट्रेट है। ओके, सो यहाँ पे इतना ही ऑप्शन अवेलेबल है डिज़ाइन करने के लिए, तो आप इतना ही ऑप्शंस को लेके चूज़ कीजिए कि आप कैसे एक अच्छा डिज़ाइन बना के सबमिट कर सकते हैं। ओके, सो आपके पास अगर PC नहीं है, ओके, सो ऐसा बोला जा सकता है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आपका क्रिएटिविटी अच्छा है तो ये शेप को मिलाकर भी आप एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।